हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं वीटेक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसी 5 एप्लीकेशंस के बारे में जो आपको अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए और उसे डेली यूज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को सबसे पहले ओपन करके इसे एनेबल कर दीजिए। एनेबल करने के बाद दोस्तों, इस एप्लीकेशन से आप बड़ी ही अच्छी तरह से मल्टीटास्क कर सकते हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन में जंप करना हो किसी एप्लीकेशन से, सिर्फ आप राइट साइड को अपनी फिंगर स्वाइप कीजिए और स्वाइप करके आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर जंप कर सकते हैं बड़ी ही इजी तरीके से। इसके साथ साथ आप यहां से अपने वाईफाई, ब्लूटूथ, टॉर्च, फ्लैशलाइट, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें ओपन कर सकते हैं, उन्हें क्लोज कर सकते हैं और यहाँ काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं इसके सेटिंग के अंदर, जिन्हें यूज करके आप अपने मल्टीटास्किंग के तरीके को बदल सकते हैं और उसे और भी ज्यादा पर्सनलाइज कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप सिंगल एप्स, जिस चाहे उस एप को इंटरनेट का एक्सेस दे सकते हैं। सिर्फ आपको जिस एप्लीकेशन को इंटरनेट का एक्सेस देना है उसे टिक कीजिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वहां एड शो होने लगता है और चाहे उसे इंटरनेट की जरूरत हो ना हो, पर दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज करके आप उस एड को ब्लॉक कर सकते हैं। सिंपली नो रूट फायरवॉल के ऑप्शन में जाइए, वहां एप्स में क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद उस एप को इंटरनेट का एक्सेस मत दीजिए। सिंपली वहां डबल टैप कीजिए वाईफाई और सेलुलर डाटा और वहाँ फ्रंट पेज पर आके स्टार्ट का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, स्टार्ट का ऑप्शन प्रेस करते ही उस ऐप के लिए इंटरनेट डिसेबल हो जाएगा, वो ऐप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकती, इस वजह से उसके एड्स भी बंद हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करके आप उन एप्स को चूज कर सकते हैं जिन्हें आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं देना हो और अपने फालतू में फोन को आने वाले वायरस को बंद कर सकते हैं और अपनी बैटरी को भी बचा सकते हैं। मटेरियलाइज एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन के दिखने वाले शॉर्टकट को चेंज कर सकते हैं। सिंपली शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप चाहे तो उसकी शेप रेक्टेंगुलर, सर्कल या फिर शाइनी, किसी भी टाइप की शेप को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद जो उसके अंदर आइकन है आप उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहे तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं और सब कुछ सेट करने के बाद आप सिंपली इस ऑप्शन पर प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने के बाद आप दोबारा होम स्क्रीन पर जाएंगे तो आपके उस एप्लीकेशन का आइकन चेंज हो चुका होगा। लिक्विड क्लाउड को यूज करके आप अपनी होम स्क्रीन पर लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। उसे इंस्टॉल करने के बाद इसके ऑप्शन में जाइए और सेटिंग में जाकर आप यहाँ काफी सारी थीम्स भी चूज कर सकते हैं, पर यहाँ काफी सारी थीम है जो सिर्फ पेड वर्जन के लिए है, एक दो थीम है जो फ्री है, उन्हें सेट कीजिए। आप साथ ही साथ क्लाउड डेंसिटी चेंज कर सकती है, जो चाहे उस डेंसिटी पे रखिए। आप चाहे तो इसकी फ्रेम रेट को भी चेंज कर सकते हैं। सब कुछ सेट करने के बाद आप सेट वॉलपेपर कर दीजिए और आपकी होम स्क्रीन पर एक काफी अच्छा लाइव वॉलपेपर लग जाएगा। नाइट मोड एप्लीकेशन को यूज करके आप रात को अपने फोन चलाते वक्त अपनी आंखों में होने वाली इरिटेशन को दूर कर सकते हैं। सिंपली इसे इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपनी नोटिफिकेशन बार को नीचे लाइए और उसमें इस ऑप्शन को पकड़कर ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि वो आपके होम टाइल पर ऐड हो चुका है और आप जैसे ही प्रेस करेंगे नाइट मोड ऑन हो जाएगा और आप दोबारा प्रेस करेंगे तो आप इसे दोबारा प्रेस करके डिसेबल भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको अपना फोन रात में यूज करना है तो इसे अनेबल कीजिए और दिन में यूज करना है तो उसे डिसेबल करके रखिए। आप इसे अपनी आंखों में होने वाली इरिटेशन को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस बटन को प्रेस करके।